नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ये दिन शुरू होता है, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं सिर्फ। तो बाहर देखो चहल पहल इस तरीके से शुरू हो गई है, लोगों की आवाजाही। अगर कोविड नहीं होता तो यहाँ पर लोग 4 बजे ही इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ, तो चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए। यहाँ पर देखो हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था भी है, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। पहले इस बेकरी शॉप में अंदर जाके बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते थे, लेकिन अब तो सिर्फ घर को ही ले जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन है कोविड के कारण। देखो यहाँ पर मेरी बंगमी बन रही है, इसे भी बंगमी कहते हैं वियतनाम में, तो ये सैंडविच की तरह होता है। तो ये रहा दोस्तों वो सैंडविच जो मैं लेके आया हूँ। देखिए ऐसा इन्हें पैकिंग किया है। अब इसको मैं गर्म करने वाला हूँ फिर से, क्योंकि ठंडा इसको खाते तो मज़ा नहीं आता है। देख रहे होगे आप कैसे इन्हें सब्जियाँ इसके अंदर फुल भर रखी है। एकदम ओके है। तो गाइस अभी मैं कपड़े डाल रहा हूँ धोने के लिए, देखो कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। पूरी गंदी हो रही है, तो ये डाल दिया इसमें लिक्विड। डेलिकेट्स 50 मिनट में धुल जाएगी, ये सूख जाएगी। भात, ये दोस्तों भात, राइस कुकिंग हो रही है यहाँ पे। गाइस मौसम का हाल आज कुछ ऐसा है, थोड़ी थोड़ी धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। शायद शाम तक आज फिर से बारिश होगी, बादल भी छाए हुए हैं। और हमारे पेड़े देखो यहाँ पे, पेड़ थोड़े से खिल गए इसमें फूल फाल, क्योंकि मौसम अब थोड़ा ठंडा हो गया है। बारिशें हो रही है कुछ दिन से, लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो अभी तो मौसम बारिश का ही चल रहा है। हमारे किचन गार्डन में देखो दोस्तों, हमने पुदीना लगाया था, 3 हफ्ते हो गए हैं जब ये लगाया था। तो 3 हफ्ते में ही देखो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि बारिशें हो रही है जल्दी जल्दी। तो देखो कैसा लगा आपको ये पुदीना, हमारा घर का फ्रेश पुदीना। ये भिंडी है, पहले वाली भिंडी सूख गई थी, ये फिर से उगी है। हमारा अदरक, हमारा नींबू का पौधा, नींबू देखो यहाँ पे लगे, इसमें छोटा पौधा है लेकिन नींबू काफ़ी लगे इसमें। तो मेहनती तो है हम भाई, क्या कहते हो आप लोग, इतनी मेहनत करते हैं यार, अब तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, फ्री है सब कुछ, कर दिया करो यार। ये है जी आज का लंच, घिया की सब्जी है, और इधर कुछ मिक्स है, पता नहीं मीट है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, और डोफू टमाटर कुछ तो बना है, पता नहीं क्या बना है। और इधर देखो दोस्तों क्या है, मधुमक्खी की तरह है, लेकिन ये काटते बहुत तेज़ है। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, बचपन में मुझे बहुत काटा इनने, क्योंकि मैं शरारती जो था। तो एमी को रोज़ इनको देखना होता है, ये खिड़की के बाहर, इसीलिए हम सेफ है। जहाँ तक मुझे पता है काटते ये तभी है अगर इनको छेड़ते हैं, अगर इन्हें छेड़ेंगे नहीं तो ये अपने मस्त रहते हैं, कुछ नहीं करते ये फिर। तो आइए दोस्तों जैक फ्रूट खिलाते हैं आपसे। जैक फ्रूट किस किस ने खाए हैं, वियतनाम में जैक फ्रूट को बहुत पसंद किया जाता है। जैक फ्रूट अगर किसी को पता नहीं है, कटहल तो पता ही होगा। जो कटहल होता है जब वो पक जाता है तो उसको पकने के बाद वियतनाम में खाते हैं। हमारे इंडिया में तो ज़्यादा कच्चा खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो यहाँ पे जब कटहल पक जाता है तब खाते हैं, इसको जैक फ्रूट कहते हैं। वियतनामी लैंग्वेज में इसको मीत कहते हैं, मीत।
फिटनेस के मामले में वियतनाम वाले इतने क्रेजी क्यों हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन रियली दे आर वेरी क्रेजी फॉर फिटनेस। तो अभी मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा, आपसे दिखाता हूँ मैं स्क्रीनशॉट इसका। दोस्तों जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ये हनोई का है, वियतनाम की कैपिटल सिटी का है, और साथ में देख रहे होगे आप यहाँ पे ये दोनों बुज़ुर्ग वॉक कर रहे हैं, ये भी हनोई का ही फ़ोटो है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो ये तस्वीर है, तो इस वक्त हनोई में लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, हनोई में आर्टिकल 16 लगा हुआ है वियतनाम के रूल्स के हिसाब से। तो आर्टिकल 16 में कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है घूमने फिरने के लिए और वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए कोई भी नहीं निकल सकता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं से लोग जगह बना के बाहर निकल रहे हैं अपना साइकिल साइकिल उठा के। और ये दो बुज़ुर्ग लोग देखो, ये फ़ोटो 3 बजे रात के कैप्चर हुई है, 3 बजे बाहर निकल गए घूमने के लिए। तो सोच लो फिटनेस के प्रति इनके अंदर कितना क्रेज़ है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, यही राय देना चाहूँगा, चाहे कुछ भी है घर में ही अपना फिटनेस कर लो, कमरे में ही अपने 10-12 चक्कर लगा लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो रूल्स है उसको फॉलो करो ताकि हम जल्दी से जल्दी कोरोना से निपट सके। तो यही मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को, ऐसी गलतियाँ मत करें जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो गाइस मौसम देख रहे हो आप बाहर कितना अंधेरा सा हो गया है, बिल्कुल बारिश होने वाली है तकड़े वाली। तो यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे हमारे कपड़े हैं जो आज हमने सवेरे धोए थे कपड़े, तो इसको निकालने पड़ेंगे, अंदर निकालने पड़ेंगे, और क्लास का टाइम भी हो गया है, सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों। मौसम बहुत ही गड़बड़ लग रहा है, हो सकता है तूफान आ जाए, देख रहे हो। अरे बारिश आ गई, आगे 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 तकड़े वाली बारिश। क्लास का टाइम भी हो गया, हे रे बाबा। बस हो गया अपना काम, पता नहीं ऊपर भी कपड़े होंगे शायद। तो अभी मैं मीटिंग को चालू कर देता हूँ, जूम मीटिंग को, क्योंकि क्लास तो ऑनलाइन होनी है, और फिर देखता हूँ ऊपर भी कपड़े है कि नहीं है। बहुत तकड़ी तकड़ी बारिश हो गई है। ओह गुड, यहाँ पर कपड़े नहीं है, सिर्फ दरवाजा बंद करना पड़ेगा ताकि पानी अंदर ना आए। ओए ऐसी खतरनाक बारिश होती है यहाँ पे, देख लिया थोड़ी देर पहले मौसम बिल्कुल नॉर्मल था और एकदम से बारिश का मौसम बन गया और बारिश तकड़े वाली आ गई है। तो क्लास लेने के लिए मेरे को दोनों दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, हवा नहीं आएगी क्योंकि बारिश का जो शोर है इसके शोर के उससे क्लास नहीं हो पाएगी। ये देखो शेफ साहब ने खाना बना दिया, सब्जी पका दी है, उबाल दी है, मतलब आप में से कितने लोगों ने उबली हुई सब्जी खाई है, इस तरह से बस ऐसे ही खाएंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही था, आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाए उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। So goodbye for now, take care of you and people around you. Thanks for watching this vlog.